जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। कल किसने अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर ना आएगा दोबारा, फिर ना आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ ना उलझाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने गगन में प्रभु प्रेम भर लो, फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में, कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना।
सूक्ष्म फरिश्ते चोले के साथ चाहते हैं बाप दादा के बिल्कुल पास सूक्ष्म वतन में बाबा की शक्तिशाली दृष्टि लेते बड़े प्यार से बाप दादा को स्वीकार कराए बाप दादा को अपने साथ ले आते हैं हम विश्व ग्लोब के ऊपर हम परम तपस्वी राजयोगी राज ऋषि मास्टर त्रिलोकी बच्चों प्रति त्रिलोकीनाथ परमात्म महावाक्य है प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है
अनुभव करें। मैं प्रकृति के मालिक प्रकृतिपति शिव की अजर अमर संतान मास्टर प्रकृतिपति हूं। विशेष विश्व ग्लोब पर विराजित होकर हम प्रकृति के पांचों तत्व सकाश देने की सेवा करते हैं। बेहद के आकाश तत्व को इमर्ज करते हैं। मैं बेहद के अखूट खजानों को प्रकृति की सेवा में सफल करने वाला बेहद विश्व सेवाधारी पवित्र फरिश्ता हूं। पवित्रता का फरिश्ता आकाश मार्ग में सैर कर रहा हूं। मुझ पर निरंतर परमात्मा से आती पवित्रता की किरणें पड़ रही है। और मुझसे छूकर समस्त आकाश मंडल को पहुंच रही है। मुझसे निकलती पवित्र किरणें आकाश मंडल के द्वारा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। अब मैं फरिश्ता जल तत्व को समुद्र तत्व को इमर्ज करता हूं अपने सामने। मैं अहित करने वाली सर्व परिस्थितियों को पल में समा देने वाला समाने की शक्ति से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र फरिश्ता को मुझ फरिश्ते से सर्व अहितकारी बातों को समा देने वाली शक्तिशाली किरणें निकलकर सागर में जा रही है। और सागर जल द्वारा सारे विश्व को इन शक्तिशाली किरणों के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं।
मैं फरिश्ता सूर्य अर्थात अग्नि तत्व को गिरने दे रहा। मैं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव से ज्वाला स्वरूप गिरने लेकर समस्त संसार से विकारों का किचड़ा भस्म करने वाली शिव शक्ति हूं। मैं प्रकृति की सहयोगी आत्मा हूं। मुझसे निकलती ज्वलंत किरणें सूर्य देव को छूकर सारे विश्व में निरंतर बिखर रही है। और विश्व में व्याप्त बुराइयों को जाकर खाक कर रही चला रही है, भस्म कर रही है। विशेष पृथ्वी तत्व को सकाश देते हैं। मैं विकटते विकट परिस्थितियों का सामना कर सहन कर स्वयं को सहनशीलता की देवी के रूप कर समस्त विश्व से विकारों की गंध दूर कर शुद्ध सात्विक खुशबूदार महकते फूलों की बगिया लाने वाले बागवान की सहयोगी आत्मा हो। मैं पृथ्वी तत्व में शुद्ध विचारों का बीज बो रही हूं। ये शुद्ध संकल्प सृष्टि में बोए जा रहे शुभ भावना व शुभ कामना का बीज बोकर धरनी को सात्विक विचारों से भरपूर कर रही हूं। अब मैं फरिश्ता वायु तत्व को पवित्र शक्तिशाली करने देता हूं। पवित्रता की शांति की शीतलता से भरपूर किरणे समस्त वायुमंडल में फैलाने वाला शांति पवित्रता से भरपूर पवित्र शांत स्वरूप फरिश्ता
मैं वायु मार्ग द्वारा समस्त विश्व में घूम रहा हूं। मुझे छूकर हवा शुद्ध व पवित्र होती जा रही है। वह रूहानियत की खुशबू से भरपूर होकर संपूर्ण विश्व में पवित्र हवा की बयार अनवरत बहनी शुरू हो गई है। अब अपने फरिश्ते चोले को यही छोड़ दूर चलते हैं। अनादि आत्मिक बिंदी स्वरूप में परम था शिव बाबा के बिल्कुल पास में। मैं आत्मा बिंदी और शिव बाबा बिंदी इस बीज रूप स्थिति में कुछ समय के लिए डीप साइलेंस में स्थित हो ज्वालामुखी रूप अग्नि में। मैं आत्मा स्वयं के पुराने विकर्मों को रूप अग्नि में भस्म होता हुआ अनुभव करती। डीप साइलेंस ज्वालामुखी Thank you.
इस ज्वालामुखी योग अग्नि मैं आत्मा स्वयं बिल्कुल हल्का रिलैक्स अनुभव करते रमथाम से नीचे विश्व ग्लोब पर अवतरित हो जाती हूं। बाप दादा के हाथों में हाथ लिए अब मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब से नीचे साकारी दुनिया में पहुंच जाता हूं। अपने हाथ जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। बाप दादा मेरे सम्मुख अपनी शक्तिशाली दृष्टि के प्रवाह से इस जल का एक एक अणु प्रेम पवित्रता सुख और शांति की किरणों से चार्ज कर रहे हैं। ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। इसे ग्रहण करने वाला एक सदस्य संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर रहा है। सुख और शांति जीवन में यथार्थ महसूस कर रहा है। सहज सफलता का बन रहा है। परिवार में आपसी स्नेह और समझ का वातावरण बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे को सभी आदर और सम्मान पूर्वक संकल्प बोल और कर्म में स्वर्णिम परिवार का अनुभव करा रहे हैं। ये जल परमात्म शक्तियों से अपूर्णतः शक्तिशाली हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में डाल दें, सभी इसका लाभ ले सके। 2 मिनट के लिए बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर जाएंगे और सारे दिन के लिए शक्तिशाली परमात्म दृष्टि की ऊर्जा को कर देंगे। Thank you.
लहरों को दामन में भर जाओ, आप दृष्टि ओम